Hello students, welcome to textbook exercises solution series. Here we are going to start a new chapter, Coordinate Geometry. In our upcoming videos, you will learn all the textbooks problem with the concepts. So let's start the lecture with the motivational code. सो so स्टार्ट करते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम्स के थ्रू ले रही हूँ लेकिन इससे पहले करवाने से पहले मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज़रूर बताऊँगी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो होता है हमारा फर्स्ट जो हम लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको हम वाई कोऑर्डिनेट तो फर्स्ट वी ऑलवेज राइट द एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट अब हमारे पास ये ये हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में ये एक मेरा पॉइंट है और दूसरा भी पॉइंट मेरा एक्स वाई प्लेन में वो एक्स वाई प्लेन क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है तो अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच में मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू नीड टू लर्न इसके लिए आपको क्या याद रखना है सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं ये है और ये है कोई भी दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन में सपोज दिस इज़ एक्स वन वाई वन एंड दिस इज़ एक्स टू वाई टू और इनके बीच का मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मेरे पास है डिस्टेंस फार्मूला उसको कैलकुलेट करने के लिए और उस डिस्टेंस फार्मूला ए बी के बीच का डिस्टेंस और डी मैं लगा दूंगी ए कॉमा बी इसको हम ए बी खाली कैपिटल ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं तो डी सिग्निफाई द डिस्टेंस बिटवीन ए बी द फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन Whole square. This is the formula where x1, y1, x2, y2 are the coordinates of the point A and B. सो दिस इज़ द डिस्टेंस फार्मूला और आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको नॉर्मल ए बी ऐसे लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कहीं पर मैं ये ऐसे कर दूंगी कहीं पर ऐसे तो दोनों वेज आपको पता होने चाहिए किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको ज़्यादा क्लियर देगा कि डी सिग्निफाइड डिस्टेंस दैट इज वी आर कैलकुलेटेड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड We can write in this way also. तो आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए Now अब आपको इसको करने के लिए इसको apply करने के लिए बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जो in between में आपको videos में बताती रहूँगी plus, minus कहाँ पर mistakes होती हैं ज़्यादातर students की और जो आपको नहीं करना है तो देखते हैं start करते हैं इसका हम जरा first part। तो देखिए हमारे को हमारे पास एक ए है और बी है सो so ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है दिस इज आवर एक्स वन वाई वन और दिस इज़ एक्स टू टू आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वन टू है y1 वन थ्री है एक्स टू फोर है y2 टू वन है और अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं और जब आप यूज टू हो जाएंगे तब तो आप बिना मेंशन किए ही डायरेक्ट कर देंगे तो ये एक्स वन x2 y2 टू कन्फ्यूज नहीं होना है अब मुझे क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच में तो अब मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर राइट तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो देखिए क्या हो जाएगा ये x2 है और ये x1 है या यहीं पर देख लीजिए x2 टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन जहाँ जो रूल यूज़ होगा अलग से रूल है वो मैं आपको विद इन वीडियो बताऊंगी जरूर एक्स टू माइनस एक्स वन ये हो गया मेरे पास और वाई टू माइनस वाई वन ये हो गया ठीक है अब देखिए यहाँ पर फोर माइनस टू क्या होता है टू प्लस का साइन आएगा बड़े वाले डिजिट्स का साइन आता है वन माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस तो वन माइनस थ्री विल बी माइनस टू यहाँ हम अभी माइनस टू ही रखेंगे बाद में डेफिनेटली माइनस का स्क्वायर प्लस होने वाला है बट डोंट फॉरगेट टू पुट द माइनस साइन ओवर हेयर अगर आप लिखते हैं हो सकता है आपका आंसर भी करेक्ट आए बट आपको ये चीज़ की अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ हमारा माइनस आ रहा है कहाँ ब्रैकेट लग रहा है एंड ऑल दिस। तो अब क्या हो जाएगा बताइए इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये फोर हो जाएगा और ये भी फोर हो जाएगा ये माइनस का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ओके सो so ये मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा ए बी के बीच का विच इज़ हाउ मच डिस्टेंस कितना आ गया मेरा यहाँ कर देती हूँ डिस्टेंस जो है मेरा ए बी के बीच में वो आ गया मेरा रूट एट रूटेट अब आप इसको फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको मिक्स्ड सर्ड में कन्वर्ट करके प्योर सर्ड से जो कि आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में सीखा होगा सो so, इसको मैं टू इंटू टू इंटू टू लिख सकती हूँ ठीक है टू इंटू टू इंटू टू लिख सकती हूँ जिसमें मैं ये टू का पेयर बाहर भी निकाल सकती हूँ सो so, याद रख लीजिए रूटेट कैन बी रिटर्न टू रूट टू और बहुत बार आता है तो इट्स वेरी फेमस सो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे कोई मगअप करने की जरूरत नहीं है यू नो दैट हाउ कैन वी स्लिट एट एज टू इंटू टू इंटू टू एंड यू कैन टेक द पेयर ऑफ टू आउट सो ये टू रूट टू सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी मेरा निकल गया टू रूट टू पूरा अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट के साथ किया है द फार्मूला दैट आई हैव यूज हेयर इज दिस डिस्टेंस फार्मूला याद करेंगे इसको और यहाँ कुछ भी हमने प्लस माइनस में मिस्टेक्स नहीं करनी है स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट टू इसमें भी हमें वही करना है पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है पी क्यू है अभी तो ये मेरा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो डिस्टेंस मुझे P एंड Q के बीच का निकाला है इसको आप डायरेक्ट पी क्यू भी वैसा लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन का मैंने वे बता दिया अब चाहे तो आप फॉर्मूला लिख के और उसके बाद इसको अप्लाई कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा आपको फॉर्मूला भी लिखते लिखते बार बार लर्न हो जाएगा अब देखिए ये क्या करना है एक्स टू माइनस एक्स वन देखिए एक्स टू नेगेटिव है x2 टू माइनस एक्स कर रहे हैं जब ये भी नेगेटिव हो जब इधर वाला नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो याद रखिए x2 टू माइनस एक्स यानी माइनस वन माइनस माइनस फाइव और इधर वाला नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव डाल देना है आपको डायरेक्ट डाल दीजिए उसको नहीं तो माइनस माइनस करके लिखेंगे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी इधर अगर पहले से ही नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव साइन आ जाता है माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन लेकिन पहले से ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लस थ्री थ्री माइनस सेवन राइट तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन आएगा बड़ी डिजिट का एंड थ्री माइनस सेवन प्लस माइनस माइनस दिस विल बी माइनस फोर साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का आएगा एंड देन इसका स्क्वायर सिक्सटीन माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा डिस्टेंस जो है पी क्यू के बीच में निकल गया अंडर रूट थर्टी टू अंडर रूट थर्टी टू वट कैन यू राइट अंडर रूट थर्टी टू एस अंडर रूट थर्टी टू को अब हम और क्या लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे ठीक है टू टाइम्स टू को फाइव टाइम्स लिख सकते हैं अब पेयर्स देखिए तो ये टू का पेयर आउट टू का पेयर आउट तो दिस इज फोर रूट टू विच इज माई डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट थ्री सो so देखिए इसमें हमारे पास आर और एस के बीच का डिस्टेंस निकालना है आर और एस के बीच का तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू इसको लिख लीजिए डिस्टेंस मुझे आर और एस के बीच में निकालना है बेटर होगा कि आप अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले फॉर्मूला लिख दीजिए ठीक है तो फॉर्मूला लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन तो एक्स टू माइनस एक्स वन सो ज़ीरो माइनस जीरो प्लस वाई टू माइनस वाई वन तो वाई टू माइनस वाई वन लेकिन अगर ये टर्म इधर वाला पहले से ही नेगेटिव में होता है तो आपको पॉजिटिव डालने का है वाई टू माइनस वाई वन राइट और इसका स्क्वायर अब देखिए ये हमारे पास सिर्फ अकेला यही वाला पार्ट बच गया है राइट right? सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया है क्योंकि ये वाला ज़ीरो हो गया है दोनों टर्म में से अगर एक टर्म पूरा ज़ीरो हो जाता है तो अब आप जब एक ही टर्म बचता है तब आप इसको स्क्वायर को रूट से कट कर सकते हैं जब दोनों टर्म्स होते जैसे ये जीरो नहीं होता मान लीजिए थ्री होता फाइव होता तब हम ऐसे स्क्वायर से रूट को कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र इज नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर याद रखेंगे बट अब ये टर्म कैंसिल हो गया है ना इस पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड रूट कैन कैंसिल आउट तो आपके पास क्या रह जाएगा बोलिए ये हो जाएगा हमारे पास फाइव बाई टू प्लस थ्री अब आपको इसका डिनोमिनेटर सेम करके सिर्फ इसको क्या कर देना है ऐड कर देना है डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए ठीक है तो हमारा जैसे भी आप इसको फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं टू ये फाइव प्लस सिक्स विच इज़ एलेवन अपॉन टू तो ये मेरा क्या आ गया आर एस के बीच में डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट सब पार्ट इसमें हमें एल और एम के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है ठीक है सो डिस्टेंस में एल और एम के बीच में कैसे फाइंड करेंगे सेम वे एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन ये मेरा क्या है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन लेकिन वाई वन पहले से ही नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा राइट वाई टू माइनस वाई वन अब क्या हो जाएगा देखिए ये बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है बस ये याद रखिए इधर अगर नेगेटिव में हो ये माइनस ये करते हैं तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस तो माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा मेरा फाइव का स्क्वायर ठीक है डिजिट साइन बड़े ग्रेटर डिजिट का आता है तो ये हो गया मेरा वन फोर्टी फोर क्योंकि माइनस का स्क्वायर मेरा प्लस ही होता है ठीक है दिस विल बी 169 ओके सो डिस्टेंस एल क्या हो जाएगा 169 एंड रूट ऑफ 169 मेरा क्या होता है 13 तो डिस्टेंस एल कितना आ गया मेरा 13 स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट सब पार्ट टी हमें दिया है और आर दिया है राइट right? देखिए ध्यान से तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो डिस्टेंस टी एंड आर का क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन बट एक्स वन इधर वाला पहले से ही नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है क्योंकि ये नेगेटिव में है पहले से ही तो पॉजिटिव वाई टू माइनस वाई वन तो ये क्या हो जाएगा देखिए मेरा टेल्व और ये माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर वाई माइनस सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास वन फोर्टी फोर टू फिफ्टी सिक्स माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये हो गया मेरे पास फोर हंड्रेड और फोर हंड्रेड का रूट मेरा क्या होता है ट्वेंटी तो डिस्टेंस मेरा टी आर का क्या आ गया ट्वेंटी सो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट डब्लू हमें दिया है माइनस सेवन बाय टू एंड एक्स है दिस एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू डिस्टेंस मुझे निकालना है डब्लू और एक्स के बीच में एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स वन तो पहले से ही नेगेटिव तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव राइट right? x2 टू माइनस एक्स वन माइनस लिए पहले से पॉजिटिव था तो इसको तो नेगेटिव ही लिखेंगे अब देखिए ये मेरे पास हो गया ये मेरे पास हो गया जीरो जब एक टर्म जीरो हो जाता है तब हम क्या लिखेंगे वो हट जाएगा मेरा पूरा तो ये क्या हो जाएगा देखिए ये हो गया मेरा अब मैं यहां पर जब एक टर्म कैंसिल हो जाता है तब मैं इस स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर सकती हूं तो कर दूंगी मैं तो डिस्टेंस डब्ल्यू एक्स का मेरे पास सिर्फ ये बचेगा अब आपको डिनोमिनेटर सेम करके ऐड कर देना है तो ये क्या हो जाएगा मेरा टू ट्वेंटी टू प्लस सेवन सो so, ये मेरा हो जाएगा ट्वेंटी नाइन अपॉन टू यूनिट्स तो डिस्टेंस मेरा डब्ल्यू एक्स के बीच में कितना आ जाएगा ट्वेंटी नाइन बाय टू सो हेयर वी हैव फिनिश्ड ऑल द सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन सो इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू ऑनवर्स सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग